नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 2। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पादप ऊतक क्या होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे और पौधों के बीच में काफी सारे अंतर होते हैं, जैसे कि हम चल सकते हैं, खा सकते हैं और खेल सकते हैं, लेकिन पौधे हमारी तरह बिल्कुल नहीं कर सकते। पौधे हमेशा स्थिर और नियत होते हैं, मतलब वे एक जगह पर ही खड़े रहते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए कम आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जबकि हमें जीवित रहने के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की। पौधों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं और विकास सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही होता है। दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभिज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विभिज्य ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, विभिज्य ऊतक सरल जीवित ऊतक होते हैं, जो कि नई कोशिकाओं के विभाजन और गठन में सक्षम होते हैं, उदाहरण के तौर पर जड़ें और शाखाएं। ये जहाँ कोई भी नई टहनियाँ या शाखाएं निकल रही होती हैं किसी भी पौधे में, वहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, विभिज्य ऊतक के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है शिस्थ्य विभिज्य ऊतक, दूसरा है अंतर्वृष विभिज्य ऊतक और तीसरा है पार्श्व विभिज्य ऊतक। चलिए इसे चित्र में देखते हैं। ये चित्र विभिज्य ऊतक का है, जिसमें शिस्थ्य विभिज्य ऊतक, अंतर्वृष विभिज्य ऊतक और पार्श्व विभिज्य ऊतक मौजूद है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शिस्थ्य विभिज्य ऊतक क्या होते हैं। शिस्थ्य विभिज्य ऊतक जड़ों और शाखाओं की बढ़ती युक्तियों पर मौजूद होते हैं। यह जड़ों और तनों को बड़ा की ओर ले जाते हैं और पौधे की प्राथमिक वृद्धि में भी मदद करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई पौधा है, तो जिस तरफ ये पौधे विकास करेंगे, शीर्ष विभिज्य ऊतक उसकी आखिर की युक्तियों में ही मौजूद होंगे। इसी तरह से पौधे की जड़ों में भी ये आखिर की युक्तियों में ही मौजूद होते हैं। ये जड़ों और शाखाओं को बढ़ने में भी मदद करते हैं और प्राथमिक वृद्धि में भी मदद करते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं अंतर्वृष्ट विभिज्य ऊतक। ये इंटरनोड्स में मौजूद होते हैं और अंतर्वृष्ट विभिज्य ऊतक शिस्थ्य विभिज्य ऊतक का ही हिस्सा होते हैं, जो कि विकास के दौरान पीछे रह जाते हैं और ये पौधे के अनुदैर्ध्य विकास में भी मदद करते हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। ये जो भी मुख्य शाखा होती है, जिसमें से एक नई टहनी निकलती है, ये वहीं पे मौजूद होते हैं। जो शीर्ष विभिज्य ऊतक है, वो जड़ों और शाखाओं को बढ़ाता चलता है। शीर्ष विभिज्य ऊतक का ही हिस्सा जो कि पीछे रह जाता है, उसे ही अंतर्वृष्ट विभिज्य ऊतक कहते हैं। तीसरा है पार्श्व विभिज्य ऊतक। ये माध्यमिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये संवहनी ऊतक को भी जन्म देते हैं और पौधे के अनुदैर्ध्य पक्ष में भी साथ देते हैं। दोस्तों, इस चित्र में हमें कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, मतलब कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। यही पार्श्व विभिज्य ऊतक कहलाता है। ये शाखा की चौड़ाई को बढ़ाता है जैसे जैसे पौधा विकास करता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं। स्थायी ऊतक के पास निश्चित आकार होता है, ये मृत या जीवित हो सकते हैं। स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि विभिज्य ऊतक विभाजित हो सकते हैं, परंतु स्थायी ऊतक जो होते हैं वह विभाजित नहीं हो सकते हैं। स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सरल स्थायी ऊतक के ही बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र सरल स्थायी ऊतक को दर्शा रहा है,
जबकि यह चित्र जटिल स्थायी ऊतक को दर्शा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, सरल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सुरक्षात्मक ऊतक और दूसरा है सहायक ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इन कोशिकाओं का कार्य और आकार एक ही जैसा होता है। सुरक्षात्मक ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसका सबसे पहले है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्कफिलैलम। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एपिडर्मिस पौधे के अंगों की बाहरी परत जैसे कि पत्ती, फूल और जड़ों में होता है। ये पौधे को संक्रमण से बचाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऊपर दिए गए चित्र में हमें कुछ पत्तियां सी दिखाई दे रही हैं। इन पत्तियों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक मॉम की परत होती है, जिसे हम जलरोधक परत कहते हैं। इस पतली सी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। इस रंध्र में गुर्दे के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे बचाव कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, ये चीजें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। यह चित्र एक पत्ती का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया चित्र है। दोस्तों, आपको इस चित्र में गुर्दों के जैसा कुछ आकार दिख रहा होगा, जिसे हम रंध्र कहते हैं, मतलब स्टोमेटा। दोस्तों, एपिडर्मिस का कार्य पौधों को सूखने से और खराब होने से बचाना होता है। और जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैसीय उत्सर्जन की अनुमति देते हैं और ये पानी के वाष्प बनकर ना निकलने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। दूसरा, हम पढ़ते हैं कि कॉर्क और फिलैलम क्या होते हैं। दोस्तों, हमने कोशिका वाले अध्याय में पढ़ा था कि कॉर्क क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हम जानते हैं कि कॉर्क पेड़ की एक छाल होती है, मतलब जो भी पेड़ का तना होता है। इसमें कोई भी छिद्र मौजूद नहीं होता। ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। कॉर्क का उपयोग क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस आदि बनाने के काम में भी आता है। ये सिर्फ मृत कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कॉर्क में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं और ये पौधों के संक्रमण को भी बचाता है। ये पौधों के लिए झटका, मतलब अगर हम किसी भी पेड़ को हिलाने की कोशिश करें तो वह नहीं हिलता है, उससे सहने के लिए क्षमता प्रदान करता है, मतलब पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये होते हैं सुरक्षात्मक ऊतक। अगली वीडियो में हम सहायक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि पादप ऊतक क्या होते हैं और सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सहायक पादप ऊतक क्या होते हैं और जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।